लो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं चेरी को। तो पहले चेरी बनाने के लिए, आउटलाइन बनाने के लिए हम लोग एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, एकदम लाइट करके ड्रॉ करेंगे, क्योंकि इतना डार्क करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम लोग को तो कलर से दिखाना है। तो ऐसे ही मैं एकदम लाइट करके एक चेरी का शेप बना रहा हूँ। तो गाइस, अभी हम लोग इसको कलर करेंगे। तो पहले हम लोग चॉकलेट ब्राउन को लेंगे, जो चेरी का डार्क एरिया होता है उसको हम लोग चॉकलेट ब्राउन से करेंगे, और हम लोग प्लास्टिक क्रेयॉन्स से कलर करेंगे। ठीक है गाइस, तो पहले मैं आउटलाइन करूँगा एकदम हल्का करके, क्योंकि आउटलाइन रेड से भी करना है। तो अभी मैं जो पार्ट चेरी का डार्क रहेगा लाइट के वजह से, तो उस साइड को मैं चॉकलेट ब्राउन से उसको कर दूंगा, देन उसके ऊपर मैं रेड कलर को यूज़ करूंगा, तो वो एरिया थोड़ा डार्क दिखेगा। चॉकलेट ब्राउन का काम ख़त्म हो चुका है, अभी हम लोग इसके ऊपर रेड कलर को करना स्टार्ट करेंगे। आप लोग देख सकते हो मैं कैसे रेड कलर को करता हूँ। यहाँ पे मैंने एक वाइट एरिया छोड़ा है, वो लाइट का रिफ्लेक्शन दिखाने के लिए छोड़ा है, और उस पर हम लोग वाइट कर देंगे, और साइड में जो रेड किया था उसको भी थोड़ा वाइट से कर देंगे, तो मिक्स हो जाएगा, तो दिखने में अच्छा लगेगा, रियलिस्टिक लुक आएगा। अभी चेरी का स्टिक को कलर करने के लिए ग्रीन को यूज़ करेंगे, तो जो डार्कर साइड था उसको हम लोग डार्क ग्रीन से करेंगे, देन जो लाइट पार्ट होगा उसको हम लोग लाइट ग्रीन से कर लेंगे। तो ऐसे ही गाइस, हम लोग दूसरा जो चेरी है उस पर करेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग थोड़ा उस पर ब्लैक यूज़ करेंगे। पहला चेरी जो है उसका शेडो जो है उस पर पड़ेगा, इसलिए हम लोग ब्लैक थोड़ा यूज़ करेंगे, बाकी प्रोसेस सेम है, आप लोग देखिए। हम लोग का चेरी का कलर ख़त्म हो चुका है, अभी बस शेडो बनाना है और कंप्लीट गाइस। तो हम लोग अगर प्रोसेस जाने तो हम लोग प्लास्टिक क्रेयॉन्स से भी रियलिस्टिक ड्राइंग कर सकते हैं, पूरा रियल ना होने से भी दिखने में लगेगा ना रियल है। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसे ही वीडियोस हर रोज़ लाता रहूँगा, और आप लोगों के प्यार की बहुत ज़रूरत है। सो प्लीज़ गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना।